मल्हारगंज में लाल अस्पताल के नाम से मशहूर शासकीय पॉलीक्लिनिक में प्रसूताओं और नवजातों के हाल बेहाल बने हुए हैं। लावारिस पड़े इस अस्पताल में कोई प्रभारी नहीं है। यहाँ जो प्रभारी मौजूद था उसे भी बाणगंगा में बने नए शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया। यहाँ तक कि मरीजों के लिए आए कूलर का आनंद भी स्टाफ ले रहा है। शनिवार को अस्पताल का जायजा लेने के लिए जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में लगे दो कूलर जैसे तैसे दो वार्डों में तुरंत लगाए गए। एक कूलर डॉक्टर वंदना केसरी और एक कूलर प्रभारी डॉक्टर अशोक मालू के कमरे में लगा था। जब प्रभारी डॉक्टर अशोक मालू से इस बारे में चर्चा की गई तो उनका साफ कहना था कि उन्हें अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल में मेडिसिन लावारिस की तरह बिखरी हुई पड़ी है। इस बारे में जब मीडिया ने जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन ने बदतमीजी करते हुए धमकाना शुरू कर दिया। सर, ये हमसे बोल रहे हैं कि परमिशन लेना पड़ेगी। किससे परमिशन? से परमिशन लेना पड़ती है सर, जो यहाँ पहली हुई अव्यवस्था। अब आप मेरा हाथ को क्यों उठा रहे हैं? ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है रिकॉर्ड। ये आपने हमारे से बदतमीजी की, अव्यवस्थाएं फैला रखी है, इसलिए हमको खबर मिली है। आपने आपके पॉलीक्लिनिक में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है उसको देख के ये पॉलीक्लिनिक आप हमको भगा कैसे रहे? आप भगा कैसे रहे? आप तो ये बताएं, पहले ये बताएं ये पॉलीक्लिनिक है। जैसा आपने बोला कि आपको परमिशन लेना, जैसा कि आपने बोला कि ये परमिशन लेना पड़ेगी, इसीलिए मैंने पॉलीक्लिनिक का शब्द इस्तेमाल किया। आपका नाम क्या बताइए जी? आप वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर का नाम बताइए। इसके साथ ही अस्पताल में पीने के लिए मरीजों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। अस्पताल में काम करने वाली नर्सों और सफाई वाली बाइयों ने भी इसकी शिकायत की। परिजनों ने बताया रात के समय पानी के लिए परेशान होते हैं। कूलर नहीं होने से नवजात बच्चों को हाथ पंखे से हवा करना पड़ता है। इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है। चार कूलर यहाँ आए थे रोगी कल्याण समिति के माध्यम से, हमने यहाँ पे खरीदे थे। और वो चारों कूलर एक ओपीडी में लगा है, एक मैडम जहाँ पेशेंट चेक करते हैं वहाँ लगा है, दो वार्ड में लगे, एक डिलीवरी वार्ड में, एक जनरल वार्ड में, वहाँ पे इशू कर रखे हैं। ये कूलर आपने आज सुबह लगाए, कुछ मरीज बता रहे? नहीं सर, हमने इशू तो एक चौथे महीने में 19/4 को ही मैंने इशू कर दिए थे। इशू करने का संस्था प्रभारी का काम है कि वो चेक करे कहाँ लगे क्या लगे। हमारा काम था माल खरीद के वहाँ पे इशू करना, हमने दे दिया। चार में से भी दो कूलर तो बड़े डॉक्टर साहब के घर पे कमरे में लगे हुए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैडम के कमरे में कहाँ लगा? कोई बड़े साहब, एक तो वो मैडम है, ओपीडी चलती है वंदना केसरी मैडम का, तो उसमें जितने भी पेशेंट मैडम चेक करती है तो वो पेशेंट उस रूम में आता है, वो रूम पूरा मरीजों से भर जाता है। आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए। मरीजों को शौचालय के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में लगभग 30 लोगों का स्टाफ है लेकिन डॉक्टर 3 ही है। दोपहर के बाद स्टाफ के भरोसे मरीज रहते हैं। रोजाना सफाई न होने से परिसर और वार्ड के आसपास भी गंदगी रहती है।